गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू एल आर फाइन एंड स्टार्टिंग सेफली एट योर होम्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर ट्वेल्व डेटा हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग में अभी तक हमने क्या किया जो पिक्टोग्राफ हमें गिवन होता था उसको हमने टेली मार्क्स में कन्वर्ट किया वी गॉट टू नो अबाउट द टेली मार्क्स टेली मार्क्स क्या होते हैं वो भी हमने जाना है ना नाव वी विल कम टू द पोर्शन वेयर वी आर ऑलरेडी गिविन टेलीमार्क्स जहाँ पर हमें ऑलरेडी टेली मार्क्स गिवन है एंड वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ फ्रॉम दैट मतलब इस बार उल्टा रिवर्स हो जाएगा हमें टेली मार्क्स ऑलरेडी गिवन होंगे वहाँ से हमें एक नंबर को जानना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है सो वी विल ड्रॉ दैट पिक्टोग्राफ इन दिस क्लास ऑल्सो वी विल नो पिक्टोग्राफ में हम एक पिक्चर को बिकॉज़ हम थ्री uh, सपोज़ करो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जैसा हमने लाइव क्लास में कल की किया था है ना कि अप्सरा पेंसिल्स कितनों के पास है या फिर uh, नटराज की पेंसिल कितने बच्चों के पास थी कैमलिन की पेंसिल कितने बच्चों के पास थी उसके लिए हमने नंबर्स निकाले थे अब हम एक पिक्चर सपोज़ करो मैं एक पेंसिल ड्रॉ करती हूँ तो दैट मे रिप्रेजेंट फ़ाइव स्टूडेंट्स या मैं एक पेंसिल ड्रॉ करती हूँ तो वो हो सकता है वो टेन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे या हो सकता है वो टू स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे तो हमारे लिए एक पिक्चर कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी हाउ वी विल डिसाइड दैट हम डिसाइड कैसे करेंगे हम जानेंगे कैसे वी विल नो दैट ऑल्सो तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है दिस इज दैट एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ऑलरेडी टेली मार्क्स गिवन है क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेली चार्ट दिस इज टेली चार्ट जिसके अंदर मार्क्स बने हुए हैं शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जो पूरे हमारे मार्क्स हैं ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स ठीक है ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्रिकेट का स्पोर्ट कितने बच्चे खेलते हैं फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं तो इस तरीके से ये नंबरिंग करी हुई है ड्रॉ पिक्टोग्राफ बेस्ड ऑन दी टेली मार्क्स अब हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है सी पिक्टोग्राफ में जो पिक्चर्स होती हैं वो भी हम अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं हमारे लिए क्या कन्वीनियंट है कौन सी चीज़ इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये स्टूडेंट्स का नंबर बता रहे हैं तो हम किसी एक स्माइली बना सकते हैं जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी इट इज़ जस्ट लाइक दिस ऐसी स्माइली हमने पिक्चर बना दी ऐसी हम बहुत सारी स्माइलीज़ बना सकते हैं है ना अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम एक पिक्चर को मतलब एक वन स्माइली को हम कितने स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करें उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक स्पोर्ट्स में देख लेते हैं क्रिकेट में कितना है फाइव का ये पूरा ग्रुप होता है फोर वर्टिकल लाइन्स और वन क्रॉसिंग लाइन्स फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस थ्री लाइन्स है तो थ्री ऑब्वियसली फिफ्टीन प्लस थ्री इज एटीन एटीन स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले करते हैं सिमिलरली फाइव प्लस फाइव टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व स्टूडेंट्स क्या प्ले करते हैं फुटबॉल एंड दिस इज फाइव प्लस फोर दैट मीन्स नाइन फाइव प्लस फोर इज नाइन हॉकी कितने बच्चे प्ले करते हैं नाइन स्टूडेंट्स एंड बास्केटबॉल ओनली थ्री स्टूडेंट्स एंड द लास्ट वन इज वॉलीबॉल दिस इज फाइव प्लस वन लाइन दैट मीन्स सिक्स स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे हमें ये चेक करना है कि क्या ये सारे नंबर किसी एक टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं तो अगर मैं नोटिस करूँ इनको एटीन टवेल्व नाइन थ्री सिक्स ये सारे ही थ्री के टेबल में आते हैं आते हैं थ्री वन ज़ार थ्री थ्री टू ज़ार सिक्स होता है थ्री थ्री हज़ार नाइन भी होता है थ्री फोर हजार ट्वेल्व होता है और थ्री सिक्स हजार एटीन होता है दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर कमिंग इन थ्रीज टेबल है ना तो अगर हमें ऐसा लगता है कि इस पूरे चार्ट के अंदर सारे नंबर्स एक ही टेबल के अंदर आ रहे हैं तो हम जिसका टेबल है वो ही रिप्रेजेंट कर देंगे दैट मीन्स ये जो वन स्माइली है वो थ्री स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकती है ठीक है ये हमें ध्यान देना है ऐसे करके हम डिसाइड करेंगे अब अगर सपोज करो ये नहीं आ रहे हैं किसी एक के टेबल में अलग अलग आ रहे हैं कोई किसी के टेबल में मतलब एक के टेबल में आ ही नहीं रहा है तो उस केस में फिर हमें एक पिक्चर मीन्स ए वन स्टूडेंट ओनली उस केस में हम और कुछ नहीं कर सकते हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता फिर हमें वन पिक्चर को वन स्टूडेंट से ही रिप्रेजेंट करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो अब हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं क्रिकेट के लिए एटीन स्टूडेंट्स हैं तो हम एटीन का मतलब क्या है वन स्माइली तो थ्री स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी तो वन स्माइली हमने ड्रॉ कर दी और उसके लिए इसका मतलब ये थ्री स्टूडेंट्स हो गए एक स्माइली और ड्रा कर देते हैं थ्री स्टूडेंट्स और हो गए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ सिक्स एक स्माइली और हमने वो कर दी ड्रा कर दी इसका मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाउ नाइन स्टूडेंट्स वन स्माइली और कर दी हमने वॉट इज दिस नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट करवा दिया पिक्टोग्राफ से वन मोर स्माइली दैट मीन्स ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन एंड वन मोर स्माइली दैट प्लस थ्री एटीन तो इसका मतलब सिक्स स्माइलीज ड्रॉ हो गई है ना अब हम अगर फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल में कितनी uh, कितने स्टूडेंट्स थे ट्वेल्व स्टूडेंट्स इसका मतलब हम फुटबॉल के लिए ट्वेल्व स्टूडेंट्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन स्माइली मीन्स थ्री स्टूडेंट्स वन मोर स्माइली दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे थ्री प्लस थ्री सिक्स और थ्री स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी वन मोर स्माइली सिक्स प्लस थ्री नाइन और एक और स्माइली हमने ड्रॉ कर दी दैट मीन्स दिस इज नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व स्टूडेंट्स तो फुटबॉल को भी हमने फोर स्माइली से रिप्रेजेंट कर दिया एक चीज जो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं बिकॉज एटीन स्टूडेंट्स थे तो सिक्स स्माइलीज बनी दैट मीन्स थ्री सिक्स एटीन होता है ना तो सिक्स स्माइलीज बनी सिमिलरली थ्री फोर जार ट्वेल्व होता है तो फोर स्माइलीज बनी अब नाइन का हम इजीली वैसे ही बता सकते हैं नाइन कैसे आएगा अगर मैं थ्री स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करवा रही हूँ दैट मीन्स थ्री थ्रीज आर नाइन इसका मतलब यहाँ पे थ्री के लिए कितनी स्माइलीज बनेंगी थ्री स्माइलीज तो हॉकी के लिए नाइन स्टूडेंट्स हैं सो आई विल ड्रॉ थ्री स्माइलीज ओवर हेयर तो ये हमारी नाइन स्टूडेंट्स हो गए रिप्रेजेंट बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं थ्री स्टूडेंट्स ओनली थ्री स्टूडेंट्स मीन्स एक स्माइली इनफ है ओनली वन स्माइली एंड दिस विल रिप्रेजेंट थ्री स्टूडेंट्स एंड वॉलीबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे सिक्स स्टूडेंट्स तो सिक्स स्टूडेंट्स का मतलब है थ्री टूज आर सिक्स होता है दैट मीन्स वी विल ड्रॉ टू स्माइलीज बिकॉज वन स्माइली मीन्स थ्री स्टूडेंट्स वन मोर स्माइली मीन्स थ्री मोर स्टूडेंट्स स्टूडेंट थ्री थ्री सिक्स और वी कैन से थ्री टू जार सिक्स तो इस तरीके से हमने पिक्टोग्राफ अपना कंप्लीट करना है ये पूरी टेबल तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक और कॉलम जो बनेगा उस कॉलम के अंदर ऐसे हम अपना पिक्टोग्राफ बना देंगे है ना तो अब आपको इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन करने हैं थ्री एंड फोर लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ अगर आपको लगता है कि ऑल द नंबर्स आर नॉट कमिंग इन सेम टेबल किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे हैं सारे नंबर्स देन द चॉइस इज ओनली कि हम एक पिक्चर करें और वो एक पिक्चर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी एंड इन दैट केस अगर हम 18 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमें 18 ही स्माइलीज बनानी पड़ेंगी बिकॉज हर एक स्माइली वन वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी वन मोर थिंग कि आपको आज की क्लास में उसके जो फिलअप्स हैं इन क्वेश्चन के थ्री एंड फोर के उनके फिलअप्स नहीं करने हैं आपको सिर्फ टेबल फिलअप करनी है सिर्फ टेबल कंप्लीट करनी है जो क्वेश्चन आंसर्स और फिलअप्स वाला पार्ट है वी विल डू दैट इन टूमारोज क्लास